क्रेन की सहायता से कुआं खुदाई के दौरान संतुलन बिगड़ने से 45 वर्षीय महिला की मौत की घटना सामने आई है। इस घटना में मृतक महिला का नाम शोभा गजानन राठौड़ है। गौरतलब है कि इस घटना में महिला का लड़का अनिल राठौड़ भी बुरी तरह से जख्मी हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डिग्रस तहसील के कलसा ग्राम में 8 मई को दोपहर 2 बजे घटित इस घटना में कलसा गांव के एक खेत में कुआं खुदाई का काम चल रहा था। मृतक शोभा खुद क्रेन को नियंत्रित कर रही थी और उसका बेटा अनिल राठौड़ कुएं में उतरा हुआ था। ऐसे में एक बड़े पत्थर को क्रेन से हटाने का प्रयास जारी था। इसी बीच अचानक क्रेन का संतुलन बिगड़ा और उक्त हादसा पेश आया। भारी भरकम क्रेन के साथ कुएं में क्रेन समेत गिरने से चोटिल हुई महिला लहूलुहान हुई और गंभीर चोट आने और खून बहने से उसकी मौत हो गई। वहीं सूत्रों ने बताया कि अनिल राठौड़ भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। इस घटना का पता चलते ही घटने की पुलिस उप निरीक्षक शशि किरण नावकार रविन्द्र जगताप सुचित जाधव ने घटनास्थल का रुख किया और वहां पहुंचकर पंचनामा किया। इस दौरान मृतक महिला को पलंग के जरिए कुएं से बाहर निकाला गया और दिग्रस ग्रामीण अस्पताल के शव विच्छेदन कक्ष में पोस्टमार्टम के बाद महिला के रिश्तेदारों को उसका शव सौंपा गया। इस घटना में आगे की जांच पुलिस निरीक्षक सोनाजी आमले, उप निरीक्षक शशि किरण नावकार, विशाल पुरकर, रविन्द्र जगताप, सुचेत जाधव, राम प्रसाद राठौड़, दिलीप राठौड़ के मार्गदर्शन में जारी है। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।